गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज यानी मंगलवार को गुरुग्राम से फरीदाबाद लौटते हुए ग्वाल पहाड़ी के पास ओवरलोड डंफरों को जब्त करवाया। उन्होंने मौके पर जिला परिवहन अधिकारी धारणा यादव को बुलाकर सभी गाड़ियों को जब्त करवाकर उनके चालान करवाए। दरअसल आज परिवहन मंत्री गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। गुरुग्राम से फरीदाबाद लौटते समय जब वे ग्वाल पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां ओवरलोडिंग डंफरों को देखा, तो उन्होंने तुरंत जिला परिवहन अधिकारी को मौके पर पहुंचने को कहा। संबंधित अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो परिवहन मंत्री ने ओवरलोडिंग वाहनों के चालान का स्टेटस जाना और ओवरलोडिंग वाहनों का अधिक से अधिक चालान करने के लिए कहा। गुड़गांव का तो एक समय हम जब जीएमडी की मीटिंग खत्म करने के बाद और रास्ते में ओवरलोडेड ट्रकों का काफला चला हुआ था और जो मुख्यमंत्री का जो सपना साकार हम सब लोगों को करना है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट में जो बदलाव हुआ है, डीटीओज के ट्रांसफर हुए हैं, डीटीओज बदले गए, उनका स्टाफ बदला गया, तो उसकी ईमानदारी को हमें पूरी तरह मुख्यमंत्री की ईमानदारी को लागू करना है और भ्रष्टाचार मुक्त ट्रांसपोर्ट करना है। तो जब वहाँ इन ट्रकों का काफला देखा तो इन्हें सभी को हमने साइड में लगाया और डीटीओज को सभी अधिकारियों को बुला करके चालान गिर कहा एक भी ओवरलोडिंग ट्रक गुड़गांव से नहीं निकलेगा। और गुड़गांव मेन सेंटर है, राजस्थान से आता है गुड़गांव से निकलता है, नारनौल महेंद्रगढ़ से आता है तो गुड़गांव निकलता है, और गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो ईमान के ट्रकों का आवागमन सबसे ज़्यादा होता है, या एनसीआर के लिए ट्रक निकलता है दिल्ली के लिए, या फरीदाबाद के लिए आता है, या गुड़गांव के लिए आता है, तो जो सबसे जो मकड़ी जाल है वो गुड़गांव है और उस मकड़ी जाल को देखते हुए आज हमने ट्रकों पकड़ा उनका चालान। नहीं, 2 महीने से हमें सभी डीटीओज के अधिकारी अपॉइंटमेंट करे हैं मुख्यमंत्री ने, 2 महीने हो चुके हैं और हम धीरे धीरे ये कि जो भी अधिकारी काम नहीं करेंगे उन अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेंगे कि डीटीओज का काम करने जो मुख्यमंत्री का जो सपना है उसके काम को, भ्रष्टाचार के काम को बंद करना है। अपॉइंटमेंट से नहीं होगा, जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तब तक सपना साकार नहीं हो पाएगा। वहीं मौके पर पहुंची क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण की सचिव धारणा यादव ने बताया कि परिवहन मंत्री ओवरलोडिंग वाहनों का चालान करने के कार्य में काफी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण द्वारा पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए की चालान गुरुग्राम जिला में किए गए हैं, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। महिला अधिकारी ने साफ किया कि ओवरलोडिंग वाहनों का निरंतरण चालान किए जा रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी काफ़ी रुचि ले रहे हैं अपना काम करने में, तो ये हमारे लिए बड़ा एनकरेजमेंट और सपोर्टिव बात है। और हमने पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 2 करोड़ के चालान गुड़गांव जिले से किए हैं, जो पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इनको भी हमने इम्पाउंड अप कर रहे हैं। हमारा काम हरियाणा में सबसे अच्छा है, हमारे चालान सबसे ज़्यादा हैं और हमारे ऊपर विश्वास सीएम साहब ने भी जताया है और मंत्री जी ने भी जताया है, उसी सीरीज में हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में ओवरलोडिंग वाहनों के चालान लगातार किए जा रहे हैं ताकि इस पर नकेल कसी जा सके। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।